So my name is Sameh sir. I am a chartered accountant. I am going to teach you accounts. ठीक है, पूरा नहीं, partly. थोड़ा accounts हमारे दूसरे सर सिखाएंगे आप. वो कैसा थोड़ा variety चाहिए ना हमको. See, you are doing CS. हम लोग जब बोलते हैं company secretary, it means totally जैसे मैं बोलता हूँ, it means पूरा legal term सामने आता है. Company secretary means legally पूरा उसको सब पता होना चाहिए. अब देखो जो आप बोलते हो ना आपका CS foundation या executive या professional, हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं accounts आता ही है. Why there is accounts in your CS syllabus? The reason is you have to be in the company. आपका जब भी आप बोलते हो you are company secretary, उसके बाद वो कंपनी के अंदर रहकर ही काम करना है. जब मैं बोलता हूँ कंपनी के अंदर रह के काम करना है, इट मीन्स आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इट इंक्लूड्स योर अकाउंटिंग पार्ट ऑल्सो. सो दैट्स वाई इन ईच एंड एवरी लेवल यू हैव अकाउंट्स. फाउंडेशन में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, एंड प्रोफेशनल में भी आएगा. जगह पे कुछ अलग अलग होगा, बट कुछ ना कुछ आपका अकाउंट्स का रिलेटेड चीज तो आने ही वाला है. So that's why we also have in foundation accounts. आपका accounts जो भी CS foundation में है वो है paper 3 के अंदर. Accounts का part है 70 marks का. एक question कितने mark का होता है? 2 mark. It means total question that they are going to ask in accounts is of 35 question they are going to ask. अब वो 35 question है. अब देखो जो हम लोग बोलते हैं ना accounts हम लोग को सीखना है, लास्ट 2.5 साल से सीखते आ रहे हैं. 11th से करके FI BCom का 6 महीना कंप्लीट हो गया, इतना मेरा अजम्पशन है. एवरेज अब FI BCom का मिड टर्म तक है. सो अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर से हम लोग अकाउंट सीखते आ रहे हैं. बट अगर मैं बोलू नेट जब हम लोग बोलते हैं, मैं बोल सकता हूं कि लास्ट 2 साल से सीख रहे हैं, क्योंकि 11th का पहला 6 महीने में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला हम क्या कर रहे हैं. थोड़ा बहुत हमको कुछ समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा हम लोगों ने रट लिया, ठीक है ये इधर ही डालने का, ये इधर ही डालने का. द रीजन इज 11th में हमारे लिए पूरा नया सब्जेक्ट था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपको सीखने का. और सबसे बड़ा जिसका भी बड़ा भाई या बहन रहेगा वो उसको एक ही चीज बोलेगा, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने. सब लोग ने बोल के रखा ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. पहला 3 महीना तो समझ में भी नहीं आता था हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सिर्फ इतना पता था बट मार्क्स चाहिए इसमें, बस और कुछ नहीं. क्योंकि बाकी सब थियरी के कंपैरेटिव में ये थोड़ा सा अच्छा लगता था और आजू बाजू से थोड़ा मदद भी मिल जाता था. हाँ ठीक है तू मेरे को बता दे मैं कर लेगा. ये सब चीज हम लोग ने सीखा. 11th का 6 महीने के बाद थोड़ा बहुत अकाउंट समझ में आया. 12th में जी जान लगा के पढ़ाई किया हम लोगों ने, बस 12th में स्कोर लाने का है. कम से कम 85-90 तो आना ही चाहिए अकाउंट्स के अंदर. 95 या 100 लाया तो अरे बस वो हिसाब से हम लोगों ने बढ़ा. वापस FI BCom में जैसे है वैसे, इट इज फीलिंग ऐसे ही 11th स्टैंडर्ड जैसा हमारा, उसमें कुछ अलग नहीं है. 11th स्टैंडर्ड जैसा, अरे कॉलेज का पहला साल है, ठीक भी है. अब जो हम लोग को CS फाउंडेशन में पढ़ना है अकाउंट्स, वो पूरा जो अभी तक तुम लोग ने पढ़ा ना वही है. फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू FI BCom यू कैन से जितना तुम लोगों ने पढ़ा है ना वही सब चीज फिर से पढ़ना है. बट जब मैं बोलता हूं यू आर डूइंग CS, यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्यों? अभी सब लोग ऐसा बोलेगा अरे तेरे को मालूम है वो CS कर रहा है. सीधा ऐसा ही है, तेरे को मालूम है वो CA कर रहा है, वो CS कर रहा है. वाई? बिकॉज यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. बट दिस एक्स्ट्रा इज वेरी वैल्यूएबल कंपेयर्ड टू योर FI BCom. और एक चीज ये नोट करके ले लो, तुम लोगों ने अगर CS फाउंडेशन का पूरा क्लास अटेंड किया अच्छे से सिंसियरली, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर योर CS फाउंडेशन. और सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग को CS फाउंडेशन क्लियर करना है इसके लिए क्लासेस में, डेफिनेटली बाकी जो भी तुम्हारे जो भी दोस्त या जो तुम्हारे आजू बाजू में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा नॉलेज तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा. तो जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, प्रोफेशनल कोर्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर नॉलेज. उनसे कुछ ज्यादा ही होगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारा FI BCom में भी हेल्प करेगा, वो तुम्हारा SY BCom में भी हेल्प करेगा, वो तुम्हारा TY BCom में भी हेल्प करेगा. जो CS फाउंडेशन में पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉलेज में काम आने वाला ही है.
और बाकी सबसे डेफिनेटली तुमको वो बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मुझे स्टार्ट करना है दैट इज व्हाट, दैट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में देखो, जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में बुक पढ़ा था वो बुक का नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 12th ऑल्सो वी हैव बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। FY BCOM में वो नाम नहीं है, इट इज अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। यू डोंट हैव बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग नाउ, अभी वो नाम नहीं है, अब क्या है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी। ये तीनों अलग टर्म है। आज वो डिटेल में नहीं जाएगा, वो सब थियरी जब पढ़ने का ना तब पढ़ेंगे हम लोग, बट तीनों का मतलब अलग है। तो बुक का जो नाम भी है वो हिसाब से ही पढ़ा है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन 11th एंड 12th, अकाउंटिंग इन FY BCOM, अकाउंटिंग इन FY BCOM एंड इन TY BCOM यू हैव थ्री डिफरेंट अकाउंटिंग। तीन अलग अलग अकाउंट्स, वन अकाउंट्स, टू अकाउंट्स, थ्री, दैट वी कैन से, बट जनरल इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो भी अलग है, वो तुमको सब CS करते जाओगे वो सब तुम्हारा होते जाएगा साइड बाय साइड, वो सब तुम्हारा ऑटोमेटिकली होते जाएगा। प्लस बाकी सबसे, मैंने जैसे ही तुम लोग को बोला, बाकी सबसे एक्स्ट्रा नॉलेज डेफिनेटली तुम्हारे पास रहेगा। अब देखो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक निकालो, हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है SCS फाउंडेशन के अंदर। इंडेक्स देखो, CS फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग का जो इंडेक्स है 70 मार्क्स का है, वो तो तुमको पता ही है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर देखो क्या दिया हुआ है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी लर्न ऐसा बोल सकता हूं, बट उससे बेटर मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस चैप्टर ऑलरेडी यू हैव इन योर सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड बट यू हैव नॉट लर्न। सिलेबस में था 11th स्टैंडर्ड में बट आपने नहीं पढ़ा था। द रीजन इज 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट जो हमको समझ में आया था, वो सबसे पहला वर्ड हमको समझ में आया था, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उसके पहले आपको मालूम रहेगा तो टीचर कुछ ऐसा आपको अकाउंट्स का कुछ बोलते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, नींद आने वाला था, सब तकलीफ होता था हमको बॉडी में, बेचैनी सी होती थी, यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। वो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑलरेडी देयर इन 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, और कोई कोई कॉलेजेस में वो पढ़ाते भी नहीं थे, 90% ऑफ द कॉलेजेस में वो पढ़ाते नहीं थे। द रीजन इज वो पढ़ाते तो भी आपको समझ में नहीं आता, वो पढ़ाते तो भी आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बट व्हाई द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इज देयर, बिकॉज जब आप बोलते हो ना कि आपने इकोनॉमिक्स में लॉस पढ़े हुए, 12th में थे ना लॉस वगैरह सब, ठीक है, वो लॉ ऑफ DMU वगैरह वगैरह सब। देखो लॉ में सबसे पहले यू हैव सर्टन अजम्पशन, वो अजम्पशन के बेस पे ही वो लॉ काम करता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव सर्टन एक्सेप्शन। अकाउंट्स भी जो भी है ना, उसमें भी थोड़े बहुत कुछ अजम्पशंस है, थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स है, थोड़े बहुत कन्वेंशंस है, थोड़ी बहुत कस्टम्स है, वो सब का मिक्सचर है आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब उसके अंदर है। वो सब आपको 11th में था बट बहुत माइनर लेवल पे था, और इसके लिए कोई कॉलेजेस उसको हाथ भी नहीं लगा देते। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है वो, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू नो द अकाउंट्स यू कैन नो द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। आपने 11th में सिर्फ एक चीज आपको जो अच्छे से याद रहना चाहिए वो था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। ये वर्ड सुना था ना 11th स्टैंडर्ड में, वो कहां से आया, दैट इज इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, दैट इज वी कैन कॉल्ड एज अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को दो अलग तरीके से ट्रीट करो, वो कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखो, जाना पहचाना है ना, लेटेस्ट अभी अभी आया रहेगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल चैप्टर है, बट ये चैप्टर में सिर्फ एक तकलीफ ऐसा होता है, जब मैं सोचता हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा तब वो निकलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैं ऐसा सोचता हूं ये तो श्योरली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू निकलता है। कभी कभार हम लोग को लगता है यस ये रेवेन्यू, तो डेफर्ड रेवेन्यू निकल जाता है, ये तकलीफ है। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो चैप्टर बहुत इजीली निकल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है देखो वो क्या दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हमको एक चैप्टर है, बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या क्या है,
सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उसके बाद आपको पता है वो आप कुछ करते थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, देन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, फिर उसके बाद कुछ सुना रहेगा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह, याद दिलाता हूं, ना मत बोलो ऐसा बुरा लगता है, आपने सुना रहेगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, याद है ना, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, वो चीज है। उसके बाद जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ 11th स्टैंडर्ड ना, 7 चैप्टर एक चैप्टर के अंदर है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। नाम देखो क्या प्रॉपरली फ्रेम किया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड, कहां पर करते हो, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स में, सब्सिडियरी बुक्स का ही पार्ट है ना कैश बुक, ठीक है, फिर वो लेजर वगैरह पैसे तुम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, देखो नाम प्रॉपरली रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में 7 चैप्टर कवर किया है। फिर 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस अगर आप याद करोगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, ट्रायल बैलेंस सब हो गया, एक चैप्टर मिसिंग रह गया बीच में, बैंक रिकंसिलेशन, वो भी जाना 11th में, देखो वो भी है। और एक चैप्टर जो हमको बहुत खतरनाक लगता था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, द रीजन इज करेक्ट जर्नल एंट्री समझ में नहीं आता है, रेक्टिफिकेशन क्या करोगे, कोई कोई कॉलेजेस में अच्छा था, नहीं नहीं ये ऑप्शन में रख दो, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट है, इसको निकाल दो, ठीक है, कोई कोई कॉलेजेस में ऑप्शन में निकाल देते हैं सर्टेन कॉलेजेस, ठीक है, क्यों, 11th वाला था ना, अपना कॉलेज का रास्ता चलता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डिफिकल्ट चैप्टर, तो इसके लिए वो थोड़ा कभी कभार निकाल देते हैं। अब देखो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस का जो भी पार्ट था वो सब आ गया, तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आ गया, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में एक चैप्टर आखिरी में तुम्हारा पढ़ा था डेप्रिसिएशन, कुछ दैट इज ऑल्सो देयर इन सिलेबस, बट इन डेप्रिसिएशन 11th स्टैंडर्ड जिसने किया उसको याद रहेगा टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV method. 11th standard mein we have only two methods. In CS foundation we have 9 methods. Muh kya chadhate ho yaar, jo padhna hai wo padhna hi hai, tum kuch nahi kar sakte usko. We have to learn 9 method, but very simple methods are there. Depreciation. Phir jo aapka 11th standard ka jo aapko sabse zyada darawna chapter lagta tha 11th standard mein, wo tha final account. 12th mein bahut acha lagta tha, क्यों, 12th में हम लोग ने बहुत मेहनत किया था, 11th में थोड़ा बहुत चलता है, 11th का एंड इस 12th का स्टार्टिंग था, जहां पर तुम्हारा 11th एंड हुआ था दैट इज फाइनल अकाउंट, 12th का स्टार्टिंग हुआ था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या था, वहां पर था प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट, यहां था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, FY BCOM में यू हैव मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, 11th 12th और FY BCOM का कॉम्बिनेशन का चैप्टर तुम्हारे लिए दैट इज फाइनल अकाउंट, ठीक है, बट ये फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज रहेगा, नो डाउट वो फाइनल अकाउंट जैसा है उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते अभी फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनाएंगे, वैसे ही रहेगा, बट कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, ठीक है, ये सब हुआ तुम्हारा 11th का। 12th में तुम्हारा जो भी पूरा 12 महीना गया उसमें सबसे ज्यादा चीज तुम लोग ने जो किया है वो किया है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 5 चैप्टर आपने किए थे 12th में रिलेटेड टू पार्टनरशिप, एक ही चैप्टर में पार्टनरशिप अकाउंट्स। फिर जो 12th में आपके पास थोड़ी बहुत जान बची थी उसके ऊपर आप, वो टाइम पीरियड में आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंका गया था कंपनी अकाउंट्स के नाम का, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो दो भी है यहां पर। सिर्फ एक चैप्टर जो नया है, जो टोटली नया आपके लिए, दैट इज रिडीम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो एक चीज नया है, आई थिंक सो सीबीएसई आईसीएसई वाले को वो चैप्टर भी था, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दैट, बट सीबीएसई आईसीएसई वाले को रिडीम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वॉज ऑल्सो देयर इन 12th सिलेबस, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले को नहीं था, हमारा गवर्नमेंट बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, अच्छा एक चैप्टर कम हुआ, वी डोंट हैव इन द 12th सिलेबस। अब देखोगे ध्यान से तो आपका जो भी पूरा 11th और 12th का सिलेबस था वो सब इसके अंदर है,
हम लोग को वो सब ही करना है। बट जो 11th और 12th में किया था ना, उसमें हम लोग को अकाउंट्स में एक चीज जो बेनिफिट था, हम लोग प्रैक्टिकल ज्यादा करते थे, ज्यादा मतलब सब प्रैक्टिकल ही था। इट मीन्स चलो फटाफट लाइन ड्रॉ करो, अमाउंट लिखो, आपको पता है ये चीज इधर ही जाने वाला है, ये चीज इधर ही जाने वाला है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, दैट्स इट। 80 मार्क्स हम लोग वैसे ही लाइन ड्रॉ करके निकाल लेते थे। क्यों? बिकॉज थियरी नाम का चीज वो पहला 20 मार्क का आता था फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। पहला 20 मार्क का वो थियरी आता था ना, कुछ 15 मार्क का, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 मार्क का कुछ, तो वो स्टार्टिंग में थियरी था। उसमें भी एक चीज बहुत अच्छा था हमारे लिए, वो बिल ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, सिंपल। मुझे पता है 5 मार्क का तो ये आने वाला, टेंशन ही नहीं मुझे 5 मार्क का, बाकी वो ऑब्जेक्टिव में वो मैथ द कॉलम वगैरह जो भी था, वो 20 मार्क हमारा सिक्योर था, 20 या 15 जो भी है वो, आई नो। बाकी का हमारे पास था सिंगल एंट्री, एनपीओ वगैरह वगैरह, दैट वी डोंट हैव इन सीएस फाउंडेशन। अब सीएस फाउंडेशन में वी डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव मोर टाइम ऑन थियरी पार्ट, बिकॉज आपका एमसीक्यू पैटर्न है, हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बन सकता है, हर एक सेंटेंस में से एक क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी एक सेंटेंस ले लो, बीच का एक वर्ड गायब कर लो, 4 ऑप्शन डाल दो, दैट विल बी योर क्वेश्चन। सो नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट ऑल्सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थियरी। और एक चीज, मैं अकाउंट्स में कुछ भी रट्टा नहीं मरवाएगा, सब दिमाग का खेल रहेगा। मेरे हिसाब से अकाउंट्स में दो ही चीज चलता है, या तो लॉजिक या मैजिक। समझ में आया तो लॉजिक है, नहीं समझा तो पूरा मैजिक है, जो 11th स्टैंडर्ड में हमारे साथ होता था। बट याद रखना, एक भी चीज में रट्टा नहीं मरवाएगा आपको, हर एक चीज के पीछे का रीजन बताएगा। द रीजन है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, 70 मार्क्स में से गारंटी है 55 to 60 इजीली स्कोर करोगे मिनिमम। मैक्सिमम यू कैन स्कोर 70 ऑल्सो, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर सिखाएगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर डाउट है वही टाइम पे क्लियर करवाओ, और अगर आपको डाउट अभी नहीं आ रहा है तो घर पे जाके आ रहा है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो डाउट क्लियर करवाओ। आज का डाउट क्रिसमस के लिए मत छोड़ना, नहीं सर क्रिसमस अच्छा दिन था, 25 दिसंबर तक पूछे, इतना लेट मत करते जाओ। क्यों? वरना फिर वो डाउट आपको भी याद नहीं रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्लासरूम में नहीं पूछना है, तो लेक्चर के बाद आके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्टनरशिप अकाउंट। दो रीजन है, एक तुम लोगों ने अभी अभी किया हुआ है 6-7 महीने पहले, दूसरा ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम्हारा अभी दिवाली का टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड में तुम लोग फ्री रहोगे तो थोड़ा मैं करवाऊंगा, थोड़ा तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये चैप्टर क्यों? बिकॉज तुम्हारा जो सीएस फाउंडेशन का चैप्टर है उसमें पार्टनरशिप एक बड़ा है, कंपनीज वगैरह बड़े हैं और डेप्रिसिएशन बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स। तो एक बड़ा चैप्टर अगर हो जाएगा ना, तो अच्छा खासा लॉट तुम्हारा अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, 10 मिनट के लिए बुक बंद कर दो। पार्टनरशिप अकाउंट्स, हम देखो यहां पे, जैसे मैं बोलता हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स, व्हाट वी हैव टू लर्न इन पार्टनरशिप अकाउंट, वी हैव टू लर्न एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। जब भी वर्ड आता है डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के साथ वर्ड लिखते रखना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि डिसोल्यूशन फर्म का होता है, पार्टनर का नहीं होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक जो चीज हम लोग को पढ़ना है अभी, दैट इज जनरल पार्टनरशिप, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। नाउ व्हाट वी हैव इन द जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप इज, मैं बोल सकता हूं इट इज रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन या एग्रीमेंट या डीड वगैरह से रिलेटेड। इट मींस थियरी पार्ट बट विच अफेक्ट्स टू द प्रैक्टिकल पार्ट।
अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि इसमें से सबसे टफ चैप्टर कौन सा है, मैं बोलेगा ये, बहुत सिंपल है, बट अगर नहीं समझ में आया तो बहुत डिफिकल्ट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑलरेडी यू हैव डन, ऑलरेडी आपने किया। जनरल पार्टनरशिप में भी कुछ चीज आपने किया हुआ है, बट बहुत माइनर लेवल पे किया है, बहुत ही माइनर लेवल पे। वो जब आप लोग करेंगे ना, वो टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों बहुत माइनर लेवल पे किया है। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर तुमको पता चलेगा कि हम लोगों ने बहुत कम किया हुआ है, बहुत कम मीन्स हार्डली 10% किया हुआ है, बिकॉज उतना ही हमको सिखाया गया था। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। बिफोर जनरल पार्टनरशिप मैं बोलता हूं कि चलो हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप वगैरह क्या है वगैरह, वो सब थियरी जो हम लोग डेफिनेशन वगैरह बोलते हैं ना, पीछे के लिए रखेंगे। स्टार्टिंग का पहला लेक्चर में थियरी वगैरह अच्छा नहीं लगता, बहुत पकेगा हम लोग को थियरी में, हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो मजा आएगा। जब मैं बोलता हूं पार्टनरशिप, तो यहां पर मैं बोलता हूं देर आर टू पर्सन, ए और बी, दोनों अच्छे फ्रेंड, बचपन से लेके जवानी तक दोनों ने सब काम मिलजुल के किया है। ठीक है, जैसे ही बड़े हुए अब उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी उन्होंने डिसाइड किया चलो हम लोग बिजनेस करते हैं इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया तो मिस्टर ए जो था थोड़ा समझदार था, मिस्टर ए ने बी को क्या बोला, चलो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके रखते हैं। मिस्टर बी बोला तू भी मेरा भाई मैं तेरा भाई, दोनों एक एक थाली में खाते हैं, छोड़ ना बाद में देख लेंगे जब होगा तब। बिजनेस चालू कर दिया, मिस्टर ए ने बीच में भी एक बार बोला मगर कोई नहीं सुना, बोला चलना बिजनेस कर बाद में देखा जाएगा। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट आया 20 लाख रुपए। जैसे ही प्रॉफिट दिखा 20 लाख रुपए का, मिस्टर ए ने क्या बोला कि मैंने पूरा साल काम किया है, ठीक है तू एक भी दिन ऑफिस में नहीं आया है। ए ने बी को क्या बोला, पूरा साल मैं ऑफिस संभाला, 12 महीना मैंने ऑफिस संभाला, आप एक भी दिन ऑफिस में नहीं आए, तो कम से कम मुझे पूरे साल का 6 लाख रुपया सैलरी मिलना चाहिए, कम से कम 6 लाख रुपया सैलरी मिलना चाहिए, क्यों पूरा ऑफिस मैंने संभाला, एक साल मैंने मेहनत किया, आपने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर बी बोला नहीं मिलेगा। मिस्टर ए गरम हुआ थोड़ा सा, आपको मालूम है सब शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इसने कुछ इसको बोला, इसने कुछ इसको बोला, दोनों का ईगो हर्ट हुआ। जब ईगो हर्ट होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इसने उसके कुछ 4-5 आदमी बुलाए रहेंगे सामने, ये भी थोड़े ना चुप बैठने वाला है, हमको मालूम है, हम लोग भी बोलते हैं ना नीचे आके मिल, ये सब वैसा ही है। अब यहां पर जब इन्होंने बोला कि मुझे 6 लाख रुपए का क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, मिस्टर बी ने बोला नहीं आपको सैलरी नहीं मिलेगा। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है इंडिया के कानून पे, इंडियन। वो दोनों जन गए कोर्ट में। आपको लगता है इंडिया का जो भी कोर्ट है वो फ्री बैठा हुआ है? कितना केस है मालूम है, वो 1993 का ब्लास्ट का रिजल्ट अभी आया, वो ना 25 साल तक वो एक केस से लिए लड़ रहे थे वो लोग, जितने वो आरोपी थे उसमें 2 जन तो पहले ही चले गए भगवान के पास, मगर हम लोग खेलते रहेंगे ऑर्डर ऑर्डर। आपको लगता है इंडिया का जो कोर्ट में अगर ये लोग जाएंगे तो रिजल्ट कितने दिनों के बाद आएगा? दिन मैंने बहुत कम बोले वैसे, साल महीने सालों वगैरह जो भी है, इंडियन कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है, इंडियन कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। इंडियन कोर्ट को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है इंडिया में, ऐसा कुछ हो सकता है इंडिया में, तो जो हम लोग बोलते हैं ना एक एक्ट है कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप एक्ट, उसने ऑलरेडी कुछ चीजें प्रोवाइड करके रखी है। अब सबसे पहला चीज, वेन एवर देर इज अ पार्टनरशिप वहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट हम लोग ने वर्ड सुना, एग्रीमेंट मीन्स वॉट, टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअली एग्रीड बाय द पार्टनर। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। ठीक है, वहां पर क्या रहता है, जब मैं बोलता हूं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स वॉट, एग्रीमेंट मीन्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बाय पार्टनर, तो वो क्या रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. इफ एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. ऐसा कुछ वर्ड सुना था ना हम लोगों ने, डीड और एग्रीमेंट. ठीक है, इफ अगर यहां पर ऐसा होता ए और बी ने स्टार्टिंग में ही बिजनेस करने के टाइम पे ही कुछ चीज पहले से एग्री करके रखते तो क्या ईयर के एंड में कुछ प्रॉब्लम होता उनको? तो इट मींस अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट रहेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, बट अगर एग्रीमेंट बनाना भूल गए या मन नहीं हुआ था एग्रीमेंट बनाने का, दोनों को एक दूसरे पे अटूट विश्वास था जो पीछे जाके तकलीफ देने वाला है, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा है. अब जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में पूरा लीगली पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड जितना काम है या मुझे लगता है कि इतना कम से कम चीज एग्रीमेंट में होना चाहिए, मैं सिर्फ उतना ही चीज लिखेगा. तो जब मैं बोलता हूं इफ एग्रीमेंट इज देयर, एग्रीमेंट में मैं क्या क्या चीज रिकॉर्ड करके रखेगा, तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करके रखेगा प्रॉफिट शेयरिंग. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें ही होने वाला है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सबसे पहला चीज, अगर मैं बोलता हूं मैं किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मैं उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके रखेगा. दूसरा एक चीज, दैट इज सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन टू पार्टनर. ये तीन चीज, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, ये तीन चीज मैं डिसाइड करके रखेगा कि अगर पार्टनर को सैलरी देने का है तो हम लोग कितना, कमीशन देना है तो कितना परसेंटेज, रेम्यूनरेशन मींस इट इज जस्ट लाइक अ सैलरी कितना देंगे वो. फिर उसके बाद कुछ हम लोगों ने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड वन मोर थिंग विद आई हैव, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड वन थिंग वी हैव इज पार्टनर्स लोन. मेरे लिए इतना चीज काफी है फ्रॉम अकाउंटिंग पर्पज. बाकी का टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा उनके बीच में, वो सब जब आप एक्ट पढ़ोगे उसमें आएगा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या एग्रीमेंट में होना चाहिए. हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये सब चीज होना चाहिए. क्यों? ये तुम्हारा डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है. एट द एंड फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ओनली ना. ये सब चीज मेरा एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए. अगर एग्रीमेंट बना के रख ए और बी तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. क्यों? जो एग्रीमेंट में है वही फॉलो करना है. अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता कि मिस्टर ए विल रिसीव द सैलरी ऑफ रुपीज 6 लाख पर एनम तो डेफिनेटली उसको सैलरी मिलता. क्यों? इट इज एग्रीड बाय बोथ द पर्सन, इट इज एग्रीड बाय बोथ द पार्टनर. बट एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट के पास जाने का भी जरूरत नहीं है. इफ यू डोंट हैव द एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऑलरेडी उसके एक्ट के अंदर प्रोविजन करके रखा है. जो एक्ट बनाते हैं ना उनके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, उनको मालूम है ये प्रॉब्लम आने वाला ही है तो ऑलरेडी उसके लिए प्रोविजन रखा है. उन्होंने क्या प्रोविजन करके रखा है? उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोला है इफ यू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इफ यू डोंट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट. तो जैसा एक्ट बोलेगा वो करने का. फिर आपको ऐसा नहीं बोलने का कि कोर्ट के पास जाके बोलने का एक्ट ऐसा बोलता है हमको नहीं करने का. इफ यू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको वही करने का, फिर पार्टनरशिप एक्ट देखने का जरूरत नहीं. बट इफ यू डोंट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट. तो उसमें अंदर प्रोविजन दिया हुआ है. सो इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट देयर यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट. और अगर मैं बोलता हूं कि इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल और इक्वल, इक्वल रेशियो ना. तो देखो तुम लोगों को क्वेश्चन में आता था, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता था तो तुम क्या फॉलो करते थे? इक्वल. व्हाई यू आर गोइंग टू फॉलो इक्वल? द रीजन इज देयर इज नो एग्रीमेंट एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट. और एक्ट ने बोल के रखा है कि आपने अगर डिसाइड नहीं किया है पीएसआर तो आपके लिए पीएसआर क्या रहेगा? इक्वल.
और इसके लिए जब भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप क्या फॉलो करते थे? इक्वल। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता तो ऐसा दिया रहता ना, ए बी सी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, तब आप इक्वल फॉलो करते थे? आप क्या फॉलो करते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद कभी कभी एडजस्टमेंट में आता था, मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹600 पर मंथ या 1000 पर मंथ। अगर एग्रीमेंट में दिया है तो कंपल्सरी टू गिव सैलरी, कंपल्सरी टू गिव कमीशन। बट इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन, एक्ट बोलता है आपने मेंशन नहीं किया, वो आपका गलती है। अगर आपने गलती किया तो आपको सजा मिलेगी। और उनको क्या बोला? इफ एग्रीमेंट इज नॉट देयर, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इफ एग्रीमेंट इज देयर तो ही सैलरी मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट बोलता है आपको सैलरी नाम का कोई चीज नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एग्रीमेंट बोलता है 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर, तो वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। बट अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते थे 6% के हिसाब से करते थे? नहीं। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट यू कैन नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जब भी ट्वेल्थ में क्वेश्चन किया है, जब भी एडजस्टमेंट में आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ वो टाइम पे ही दिया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं था तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते थे? व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से याद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट कहां पर लिखते थे? वी हैव टू गिव टू इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहां पर आता था? आराम से, फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, नंबर टू एड टू कैपिटल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये दो इफेक्ट देते थे हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम और एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम और एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म, एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अभी तक यही सीखा है वो गलत है, क्यों बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, सस्पेंस रखने का ना थोड़ा टाइम, मजा आता है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक हम लोग सीख क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, वो गलत है। अरे सर, हमारा सर ने सिखाया था ना ट्वेल्थ में, वो एक्सपेंस है, ठीक है ट्वेल्थ के लिए, ठीक है क्यों, वो सब बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%। याद रह गया ना तुमको 6%? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चार्ज कर सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं कर सकते। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट यू कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट बोलता है 15% पे इंटरेस्ट ऑन लोन देने का पार्टनर को, वी हैव टू प्रोवाइड। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देन नो इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉन्फिडेंस ही टूट गया सर, दो बार गलत आया ना, अब 6% बोलने का हिम्मत नहीं होता है। इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन, सिर्फ एक ही चीज पे पार्टनरशिप एक्ट ने थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना बेनिफिट दिया है पार्टनर्स को। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल, इट इज लोन गिवन। So, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला है पार्टनर्स का लोन के लिए, देन ऑल्सो वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इधर तक समझा? ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज अभी से याद रखने का, इफ देर इज अ एग्रीमेंट वी हैव टू फॉलो एग्रीमेंट, फिर बाद में एक्ट देखने का जरूरत ही नहीं है। बट एग्रीमेंट नहीं है, वी हैव टू फॉलो एक्ट।
ठीक है, एग्रीमेंट में पांच चीज कम से कम होना चाहिए, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट देयर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ठीक है, अब पहले ये लिखो पार्टनरशिप अकाउंट, उसके बाद एडिंग दो जनरल पार्टनरशिप, टर्म्स एंड कंडीशन इज देयर बिटवीन द पार्टनर्स, इफ एग्रीमेंट इज देयर तो वी हैव टू फॉलो द एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट। पहले ये चीज लिखना, फिर जनरल पार्टनरशिप एडिंग दो, ये लिख लो, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस थिंग। ठीक है, इतना कंप्लीट करो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। दिस इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट वो हम लोगों ने किया। अब आज का जो भी बचा हुआ लेक्चर है वो पूरा लेक्चर ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में भी जा सकता है, ठीक है, बट वो पूरा लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। देखो जनरल पार्टनरशिप है, उसका जनरल पार्टनरशिप का सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, बुक वगैरह बंद कर लो, 15 मिनट यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। अगर ये पूरा चार्ट जो मैं बनाने वाला हूं वो समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हर एक क्वेश्चन तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी डाउट आ रहा है वो चार्ट में वो टाइम पे ही क्लियर करना।
ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन के बाद डाउट मत पूछना, ठीक है? तो मुझे वापस पूरा चार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो जब भी ये चार्ट में डाउट आएगा वो टाइम पे करवा लेना।